हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये देखिए, आज हमने बनाई है पूरी जो बहुत ही क्रिस्पी, और ये चाट के साथ और ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे हम 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इसे हम सेव पूरी बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मसाला पूरी। इसके लिए मैंने 2 छोटे बाउल मैदा लिया है, नमक, 2 चम्मच ऑयल, साबुत धनिया, हींग, हल्दी और हमने काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है। अब हम तड़का पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। अब हम मैदा लेंगे, और हमने 1 चम्मच साबुत धनिया लिए, उसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे मसल के इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच काली मिर्च, हींग, 1 चम्मच हींग। इसमें हमने हींग का ज़्यादा यूज किया है। और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक। अब हम ये ऑयल जो हमने गरम किया है वो इसमें डालेंगे और चम्मच से इसे ऐसे फैला देंगे ताकि हम इसका आटा गूंथ सके। अभी तो ये बहुत ही गर्म होगा, थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे तो ये थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे मस लेंगे। देखिए, अब इसे हमें ऐसे हाथ से मसलना है। इस तरह से हमारा आटा ऐसे होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार कर देंगे। ये देखिए, हमने आटा गूंथ लिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गई है। अभी हम आटे के ऊपर हमने ऑयल थोड़ा सा डाला था, अब हम थोड़ा इसे मसल लेंगे। ज़्यादा नहीं मसलना, बस थोड़ा सा। अब हम आटे में से थोड़ा सा ऐसे लेके इसे ऐसे पूरी जितना ऐसे काट लेंगे। अब हम इसे ऐसे पूरी बनाएंगे। आप इसे छोटी बड़ी जो भी शेप देना चाहे वो, मैं अभी छोटी छोटी बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी सारी पूरी बेल देनी है। ये देखिए, हमें इस तरह से ऐसी थिकनेस वाली पूरी बनानी है, थोड़ी सी मोटी वाली। अब हम फोक्स की मदद से इसमें थोड़े से ऐसे दबा देंगे ताकि हमारी पूरी फूले नहीं। इस तरह सारी पूरी बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारी पूरी बेल ली है। अब हम फ्राई करें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूरी डालेंगे।
इस तरह हम 15-20 पूरी डाल देंगे और आंच को मीडियम ही रखेंगे ताकि ये पूरी क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए इस तरह से थोड़ी देर के बाद इसको पलटाएंगे। हमें इसे ऐसे पलट पलट के फ्राई करना है। ये देखिए हमारी पूरी बन गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें क्रिस्पी बनानी है। अब हम सारी ऐसे फ्राई कर लेंगे। रेडी है मसाला पूरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।